उनका लीडर खुद क्यादत कर रहा है, उनके लिए पुलिस भी नहीं है, उनके लिए रुकावटें भी नहीं है, उनके लिए रुकावटें भी नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, उनका लीडर खुद क्यादत कर रहा है। जिसको जेल में होना चाहिए वो क्यादत कर रहा है, क्योंकि ये जमहूरियत को बचाने के लिए आए। ये बड़ा ये जो है ना वो खौफनाक है, ये सारे का सारा काम, और ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, और ये आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे। पीएफयूजे के सदर को तो ले रहा ना, नजीम साहब को तो लाइन पे ले, देखे ना वो क्या कहते हैं इस वाक्य को अगर देख रहे हैं तो। सॉरी नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने इसको ये मंसूबा बनाया ना कि शायद वो इस तरह नून लीग के वर्कर्स को लाकर। बाबर सलाम अलैकुम, बाबर सलाम अलैकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुबशिर साहब आपकी आवाज आ रही है। बाबर आपको क्यों मारा गया और मुझे बताएं, आप महफूज तो हैं, आपको कोई चोट वोट तो नहीं आई बड़ी साहब? मुबशिर ये रैली जो है इसकी क्यादत हनीफ अब्बासी, आपकी आवाज बहुत कम है। इस रैली की क्यादत हनीफ अब्बासी कर रहे थे और साथ में जियाउल्लाह शाह जो साबिक एमपी है शेरयार रियाज है, और काफी बड़ी तादाद में लीगी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने एआरवाई की गाड़ी देखते ही ये लोग मुश्किल हुए, लेकिन साइकिन रैली के बैक पे थे और ये जो मुश्किल लड़के थे कारकुन थे ये हमारे पास आए। पहले तो कैमरा मैन से कैमरा छीनने की कोशिश की, फिर जो इनके मुंह में आया कहा, और फिर मुझे इन्होंने जदोकोप किया और कुछ राग या कुछ ऐसी रानी चीज थी जो मेरे पसलियों और बैक कमर पे मारी है इन्होंने, और मुझे इससे चोट भी लगी है। मुकशर आप बाबर आप कैरियर से पहुंचे एआरवाई, मैं आपके साथ चलता हूँ हनीफ अब्बासी के ऊपर, हम खुद पर्चा कटवाते हैं, देखते हैं कौन नहीं है पर्चा काटता है इसकी ऐसी की तैसी, और मैं देखता हूँ ये जाली इंजेक्शन बेचने वाला रहता कैसे है और अपने घर से बाहर कैसे निकलता है, रैली निकालता तो दूर की बात है। हनीफ अब्बासी समझता क्या अपने आप को, गुंडा बदमाश, और इसकी मुनाफ्त देखें जी, इसकी मुनाफ्त देखें कि अब वो सुलह सफाई भी करवा रहे जी, मुनाफ्त दफ्तर पहुंचे बाबर एंड बी सेफ, थैंक यू जी।